हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। आपके एग्जाम के प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एमसीओ 4 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है अप्रोचेस टू सोशल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए सोशल अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग को लेकर के, ये मैं आपको बताऊंगा। तो सोशल अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हमारे प्रीवियस वीडियोज में। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको एमसीओ 4 का प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पे आपको इस टॉपिक के बारे में भी वीडियो आपको मिल जाएगा। मैं आपको सिंपल सा प्रोसेस बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको हमारे चैनल पे आना है। आने के बाद यहाँ पे इग्नू एमकॉम का जो आपको सेक्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आईबीओ 1, जो कि फर्स्ट ईयर का है, आईबीओ 1 से लेकर आईबीओ 6 और एमसीओ 1 से लेकर एमसीओ 7 तक की बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी, जहाँ पे ढेर सारी वीडियोज ऑलरेडी आपको दिख रही है और भी ज्यादा अपलोडेड हो चुकी है जब तक आप चेक करोगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज है, आप यहाँ पे जाइए, इन सबको वॉच कीजिए। आप डेफिनेटली एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स आप ला पाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आपको असाइनमेंट्स बहुत ही डिस्काउंट पे चाहिए, आपको अगर नोट्स हमारे पास से खरीदने हैं जिसको देख करके, जिसको पढ़ करके आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, आपको अगर 24/7 सपोर्ट चाहिए हमारे तरफ से, तो आपको हमारे चैनल का जो मेंबरशिप प्लान है, जो एक्सक्लूसिवली हमारे मेंबर्स के लिए बनाया गया है, आप हमें इस प्लान के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 159 रुपीज जो है पेमेंट करना है, और ये रेकरिंग पेमेंट होगा। तो इसमें बहुत सारी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, आपको असाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लग सकता है कि प्राइसेस ज्यादा है, बट ऐसा नहीं है। आप अगर ट्यूशन भी करते हैं तो एटलीस्ट 1000 रुपीज तो आपको पर मंथ पे करना ही पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ 159 रुपीज आपसे लिया जा रहा है, और उसमें बहुत सारी बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड की जा रही है। आपको असाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिल रहा है, आपको गाइडेंस काउंसलिंग हर एक चीज, जो भी आपको दिक्कत होगी इस कोर्स के रिगार्डिंग, जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, आपको ये सारी फीचर्स जो है आपको मिलती रहेंगी। साथ ही अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही सस्ते दामों पर हमारे पास से आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा अप्रोचेस टू सोशल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो हैविंग लर्न्ड अबाउट द नीड ऑफ सोशल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, लेट अस नाउ डिस्कस द वेरियस अप्रोचेस दैट कैन बी अडॉप्टेड बाय कॉर्पोरेट एंटरप्राइज। तो सबसे पहला जो यहाँ पे जो अप्रोच है, उस अप्रोच का नाम है वैल्यूएशन ऑफ सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट्स, है ना। तो जो सोशल कॉस्ट है उसका वैल्यूएशन निकालना, और जो सोशल बेनिफिट्स है उसका वैल्यूएशन निकालना, हमारा सबसे बड़ा अप्रोच होता है कि हम इसको क्यों करेंगे, है ना। इसको करने के पीछे हमारा रीजन यही होता है कि हम सोशल बेनिफिट्स को समझने की कोशिश करते हैं, कि अगर हम सोशल अकाउंटिंग या फिर सोशल रिपोर्टिंग करते हैं तो उसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, है ना। तो इसका वैल्यूएशन को एक तरह से निकालने की बात की जा रही है। सो वैल्यूएशन ऑफ सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट इज वन अप्रोच विच इज ऑफन अडॉप्टेड बाई द वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज फॉर कंपेयरिंग द सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। जो मैंने कहा वही बात यहाँ पे बोली गई है कि इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, मतलब जितना खर्चा हुआ प्लस उसके मुकाबले जितना बेनिफिट आपको हो रहा है, उसके बीच में एक रेशियो निकाला जाता है बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज उन हर एक चीज के ऊपर जो भी वो प्रोजेक्ट चलाते हैं पब्लिक के लिए, है ना। तो जो वैल्यूएशन ऑफ सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट है, इसका रेशियो जो है वो लोग निकालते हैं और एस्टिमेट करते हैं कि उनका जो काम है, जो उनका प्रोजेक्ट है, वो सही है या नहीं है। That is why social accounting is famous, right? So to estimate the total value of benefits and cost, this approach requires the use of shadow prices with respect to inputs and outputs for which market prices do not reflect the real economic or social worth. है ना। तो इसको एस्टिमेट करने के लिए आपको जो टोटल बेनिफिट है, टोटल जो वैल्यू मिलती है आपको बेनिफिट एंड कॉस्ट का, उसको अगर आपको एस्टिमेट करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको शैडो प्राइसेस चाहिए। आपके मन में आया कि सर शैडो प्राइसेस क्या है? देखो, ये वो प्राइसेस हैं जो कि एक तरीके से छुप जाते हैं, आपको दिखाई नहीं देते हैं, है ना। देखो, गवर्नमेंट जब हमारे लिए कुछ कर रही है तो उनका एक अलग से प्रोजेक्ट बनता है, उनका एस्टिमेशन होता है, उनका बजट होता है, है ना। प्राइवेट तौर पे जब कोई चीज की जाती है तो वो सारी चीजें जो है हमें दिखती हैं कि भाई प्राइवेट ने ये किया, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया वो हमें लाइक एक तरह से वो शैडो रहता है, शैडो प्राइसेस रहता है। हम ठीक तरीके से उसको समझ नहीं पाते कि यहाँ पे कितना खर्च हुआ है, क्या इसकी बेनिफिट्स हैं, राइट। तो जो भी शैडो प्राइसेस है इनपुट एंड आउटपुट को लेकर के, जो भी एक्चुअल मार्केट में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है, रियल इकोनॉमिक और सोशल वर्क जो है उसका नहीं निकल पाता है, उसको एक तरीके से एस्टिमेट करने के लिए हम वैल्यूएशन ऑफ सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट्स हम करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ सोशल कॉस्ट हम करते हैं। Also, it is considered desirable to discount the social cost, है ना? और ये भी बहुत ज्यादा desirable है कि आप जो है social cost के ऊपर discount provide करो and benefits at the social discount rate to estimate their social net present value. तो आप इसके जो net present value है, आपने जो भी चीज project करा है उसकी जो net present value है उसको एक तरीके से check करने के लिए आप discount भी provide करते हो इन सारी चीजों के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि समय के साथ उसमें wear and tear आएगा, depreciation आएगा, तो उसके कारण से आप उनके ऊपर discounts भी provide करते हो, ताकि जो net present value है वो उसे आप निकाल सको।
राइट, सो दिस इज द फर्स्ट अप्रोच. नाउ द सेकंड अप्रोच इज मेजरिंग द वर्थ ऑफ सोशल इन्वेस्टमेंट, है ना, जितना भी पैसा अभी तक लगाया गया है उसके जो भी यू नो जो उसका वैल्यू है उसको मेजर करना, है ना, उसको मेजर करना. तो क्या होगा, अनदर अप्रोच कंसिस्ट ऑफ दिस मेजरिंग द वर्थ ऑफ सोशल इन्वेस्टमेंट बाय एस्टिमेटिंग द मार्केट वर्थ ऑफ एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स टू बी डिराइव्ड बाय द पीपल अफेक्टेड, है ना. तो जब आप प्रोजेक्ट किसी कोई प्रोजेक्ट आप बनाते हो तो उसका बेनिफिट वहां के लोगों को मिलता है जो आसपास में रह रहे होते हैं. तो सपोज आपने 100 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया और लॉन्ग टर्म में देखा गया कि उस प्रोजेक्ट से जो बेनिफिट मिल रहा है वो तकरीबन 500 करोड़ का है, राइट. तो ये जो हम मार्केट वर्थ यहाँ पे निकाल रहे हैं कि 100 करोड़ का हमने प्रोजेक्ट बनाया बट उसका जो बेनिफिट हमारी गवर्नमेंट को मिलेगा, हमारे लोगों को मिलेगा, उसकी वैल्यू तकरीबन 500 करोड़ की होगी. सो दैट्स अ गुड डील, राइट. तो यहाँ पे इस अप्रोच में आप ये निकालने की कोशिश करते हो कि आपके प्रोजेक्ट का जो वर्थ है वो कितना है, आपके सोशल इन्वेस्टमेंट का जो वर्थ है वो कितना है, जो कि लोगों के द्वारा निकाला जाएगा या लोगों को वो फायदा जो है पहुंच पाएगा, लोगों को वो अफेक्ट करेगा, राइट. The assumption here is that consumer preference are most significant in the valuation of social goods and services. है ना? तो जो customer का preference होता है, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा valuable होता है जब भी हम बात करते हैं social goods and services के बारे में, right? So for this purpose, a sample survey may have to be conducted to ascertain where the social activity is perceived by the affected population as a benefit or cost. राइट right. तो यहाँ पे एक तरीके से सैंपल सर्वे आप कर सकते हो जहाँ पे आप ये पता करने की कोशिश करते हो कि वेदर द सोशल एक्टिविटी, जो भी आपने सोशल एक्टिविटी करी है, वो एक तरीके से जो पॉपुलेशन है उसको किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, क्या उनको वो महंगा पड़ रहा है, क्या वो उनके लिए एक तरह से बेनिफिट के रूप में वो काम कर रहा है, राइट. द परसीव्ड डिग्री ऑफ अमाउंट ऑफ बेनिफिट और कॉस्ट शुड देन बी द बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग इन टर्म्स ऑफ इन मनी टर्म्स द एवरेज यूनिट कॉस्ट और यूनिट बेनिफिट पर पर्सन, है ना. तो यहाँ पे जो भी आपका अमाउंट निकल कर आएगा बेनिफिट एंड कॉस्ट का, जो भी आप कैलकुलेट करोगे डिग्री, तो वो चीज जो है आप उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे मॉनेटरी टर्म्स में कि जो एवरेज यूनिट कॉस्ट है या जो एवरेज बेनिफिट यूनिट है वो किसके कैसा है, वो एवरेज यूनिट बेनिफिट जो है वो पर पर्सन कितना उनको मिल रहा है, राइट. द टोटल कॉस्ट एंड बेनिफिट शुड देन बी अराइव्ड बाय द मल्टीप्लाइंग द यूनिट कॉस्ट और बेनिफिट बाय द नंबर ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाय द सोशल एक्टिविटी. यहां पे एक तरीके से मैच करने की बात की जा रही है, मेजर किया जा रहा है कि वर्थ क्या है. तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला यहां पे बताया गया है. टोटल कॉस्ट और बेनिफिट जो होगा, अगर आपको उस तक पहुंचना है, अगर आपको ये पता लगाना है कि टोटल कॉस्ट और टोटल बेनिफिट कितना हो रहा है, तो उसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा द यूनिट कॉस्ट और द यूनिट बेनिफिट होगा, जो यूनिट कॉस्ट या फिर बेनिफिट होगा उसको मल्टीप्लाई करना होगा नंबर ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाय द सोशल एक्टिविटी. आप जो सोशल एक्टिविटी कर रहे हो उसके कितने सारे लोग अफेक्टेड होंगे, उस नंबर के साथ आपको जो यूनिट है, यूनिट कॉस्ट या यूनिट बेनिफिट है, आपको उसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा. देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ जो नेट वर्थ है, जो आपको बेनिफिट आपको मिल रहा है, जो वर्थ है वो आपको पता चल पाएगा, राइट. सो दीज टू अप्रोचेस वी हैव डन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड अप्रोच व्हिच इज डेवलपिंग सोशल इंडिकेटर्स, है ना. तो यहाँ पे सोशल इंडिकेटर्स भी निकल करके आते हैं. सपोज हम लोगों ने कुछ बनाया जिसका बेनिफिट लोगों को मिल रहा है, बाहर से किसी ने आया तो बोला कि अरे भाई ये तो बहुत अच्छी चीज है. तो ये तरीके से सोशल इंडिकेटर भी बताता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है सोशली कितनी ज्यादा सही है, ऐसे कौन कौन से स्टेप्स ले रही है, रास्ते बना रही है, पुल्स बना रही है ना, इसका बेनिफिट अल्टीमेटली हमें ही मिलता है. तो ये एक तरीके से सोशल इंडिकेटर्स का भी काम करते हैं. सोशल अकाउंटिंग, सोशल रिपोर्टिंग एक तरीके से हेल्प करते हैं सोशल इंडिकेटर्स को कंट्रोल में रखने में, है ना, या उनको एक तरीके से और बढ़ाने में. A third approach may be adopted for measuring social performance consists of developing social indicators and measuring on that basis a firm's contribution to the qualify or quality of life in different areas such as socially desirable profit earning human assets, value of organization generating employment for backward and socially handicapped people, rural upliftment, educational development, environmental improvement, quality of products and services, etc. है ना. तो जो थर्ड अप्रोच है सोशल अकाउंटिंग या फिर सोशल रिपोर्टिंग करने का, वो ये है कि आप यहाँ पे मेजर करने की कोशिश करते हो कि आपका सोशल परफॉर्मेंस कैसा रहा है, गवर्नमेंट का सोशल परफॉर्मेंस कैसा रहा है, ये चेक करने की कोशिश करते हो कि जो सोशल इंडिकेटर्स हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, है ना. आप किस बेसिस पे इसको चेक करोगे, आप जो फर्म का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा कि वो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कैसा है किसी की लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने में, या सोशली जो प्रॉफिट अर्निंग जो बेनिफिट्स जो बिजनेस होते हैं उसको स्टार्ट करने में, ह्यूमन एसेट का जो वैल्यूएशन है ऑर्गेनाइजेशन में वो आप किस तरीके से क्रिएट कर रहे हो, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो फॉर द बैकवर्ड क्लासेस एंड सोशली हैंडीकैप्ड पीपल, उनके लिए आप किस तरीके से काम ठीक मतलब कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो. तो सोशल इंडिकेटर्स के रूप में ये सारी चीजें काम करती हैं, है ना. एक गवर्नमेंट का जो काम होता है वो इन्हीं सारी चीजों से जज किया जाता है
कि आपने कितने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, रूरल अपलिफ्टमेंट कितना हुआ, एजुकेशनल डेवलपमेंट उन लोगों का कितना हो पाया, जो इन्वायरमेंटल जो हैजार्डस जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको किस तरीके से हटाया गया, जो इन्वायरमेंटल क्वालिटी है जो इम्प्रूवमेंट है उसको किस तरीके से बढ़ाया गया, जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज में आप डील कर रहे हो उसकी उसकी क्वालिटी कैसी है। सो दीज आर द पैरामीटर्स, दीज आर द सोशल इंडिकेटर्स ऑन विच एवरी गवर्नमेंट वर्क्स ऑन, एंड इसके बेसिस पे जो है हमारा सोशल रिकॉर्डिंग या फिर सोशल अकाउंटिंग जो है किया जाता है इन्हीं सारी चीजों को चेक करने के लिए। तो तीसरा अप्रोच यही है कि सोशल अकाउंटिंग या सोशल रिपोर्टिंग हम इसलिए करेंगे ताकि हम सोशल इंडिकेटर्स को चेक कर पाए कि हमारा समाज जो है वो किस तरीके से रह रहा है। राइट, द लिमिटेशंस ऑफ सोशल इंडिकेटर अप्रोचेस आर, यहाँ पे दो तरह के अप्रोच है सोशल इंडिकेटर अप्रोच में। पहला है द इंडिकेटर्स मे बी सिलेक्टेड आर्बिट्रली एंड आर ऑफन ऑफ अ सरोगेट नेचर पर्टिकुलरली बिकॉज देर इज नो कॉम्प्रीहेंसिव बेसिस फॉर द सिलेक्टिंग इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे कोई कॉम्प्रीहेंसिव बेसिस नहीं है कि आप किसको सिलेक्ट करोगे अपना यू नो इंडिकेटर, तो इसीलिए यहाँ पे एक तरीके से जो इंडिकेटर का जो सिलेक्शन होता है वो आर्बिट्रली होता है। आर्बिट्रली का मतलब हो गया कि सहमति से एक दो लोगों ने मिल करके, जो डिपार्टमेंट उन्होंने मिल करके ये सहमति जाहिर की कि हम इस चीज के ऊपर हम चेक करेंगे कि हमारा ये सोशल इंडिकेटर किस तरीके से काम कर रहा है। राइट, बी नंबर है एग्रीगेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन मेड इन डिफरेंट एरियाज इज डिफिकल्ट। दूसरी बात ये होगा कि आपने जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, आप उसका जो मेजर है वो आप नहीं कर सकते, आपको एग्रीगेट निकालने में जो है बहुत ज्यादा दिक्कत होगी क्योंकि आपको सारे एरिया को ही एक तरीके से मेजर करना पड़ेगा। सो इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द एग्रीगेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन मेड इन ऑल द डिफरेंट एरियाज, है ना, तो ये दिक्कत होती है आपको। फोर्थ जो अप्रोच है हमारा वो है सोशल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। ये अपने आप में एक अप्रोच है, क्या है, इज द बेसिस ऑफ अनदर अप्रोच विच डज नॉट सफर फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ आर्बिट्री सिलेक्शन ऑफ सोशल इंडिकेटर्स, है ना। तो सोशल गोल अकाउंटिंग जो होती है, जो रिपोर्टिंग होती है, उसमें हम हमारा जो ये अप्रोच है ये एक तरीके से सफर नहीं करता इस लिमिटेशन के साथ कि हमारा जो सिलेक्शन होगा इंडिकेटर का वो आर्बिट्री होगा। आर्बिट्री होने का मतलब है कि आप एक तरीके से यू नो घोल पचोल कर रहे हो, आप मिल करके कुछ कर रहे हो तो आपको एग्जैक्ट जो व्यू है वो आपको पता नहीं चल पाता, लेकिन सोशल गोल अकाउंटिंग जो होती है, सोशल रिपोर्टिंग जो होती है, उससे आपके हर एक चीज के बारे में पता चलता है। और ये अप्रोच जो है उस अप्रोच को, उस चीज को जो है एक तरीके से नकारता है, उसको दिखाता है कि देखो इस तरीके से चीजें जो है होनी चाहिए, आपको सोशल अकाउंटिंग जो है करनी चाहिए। इट रिक्वायर्स द इंडिकेटर्स टू बी रिलेटेड टू द सोशल गोल्स सेट बाय द कंपनी, है ना, कंपनी की बात की जा रही है, गवर्नमेंट भी यहाँ पे आ जाएगा समटाइम्स, है ना। तो ये एक तरीके से इंडिकेटर जो होता है वो ये दिखाना चाहिए कि जो भी सोशल जो सोसाइटल गोल जो कंपनी ने सेट करा था वो लोग अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। राइट, ये वो चीजों को दिखाता है। दस द मैनेजमेंट इज टू सेलेक्ट देयर सोशल मार्केट बाई रेफरेंस टू देयर ओन एनालिसिस ऑफ द एनवायरमेंट एंड देन आइडेंटिफाई दोज एरियाज ऑफ सोशल एक्टिविटी दे बिलीव दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट इफेक्टिवली बाई इंक्रीजिंग बेनिफिट्स एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट, है ना। तो जो भी कंपनी होगी, जो भी यू नो कंपनी की बात की जा रही है, वो एक तरीके से आइडेंटिफाई करेगी कि उनके सोशल एक्टिविटी का जो जो एरिया रहेगा वो क्या रहेगा। देखो सारे लोग हर चीज में सोशल एक्टिविटी में बहुत सारी चीजें आ जाती है ना, स्कूल खोलना, टॉयलेट्स बनवाना, फ्री के जो बस स्टैंड होते हैं वो बनवाना, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो एक कंपनी को यह डिसाइड करना होता है कि उनका सोशल एक्टिविटी का जो एरिया है वो क्या होगा, वो एजुकेशन होगा, है ना, या लोगों का अपलिफ्टमेंट होगा, गरीबी रेखा से लोगों को बाहर निकालना, जॉब्स प्रोवाइड करना, तो किस तरह की सोशल एक्टिविटी आप कर रहे हो ये एरिया आपको डिसाइड करना है। और आपको ये जो डिसाइड आप करोगे ये इस बेसिस पे करोगे कि आपको यू नो आपको अपना जो कंपनी है उसमें कुछ चेंजेस करके आपको सोशल बेनिफिट जो है लोगों को देने हैं। तो आपकी बेनिफिट अगर एजुकेशन सेक्टर की है तो आप अदर सेक्टर में तो लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कर सकते। एजुकेशन सेक्टर का है तो सबसे बेहतर तो आपके लिए ये होगा कि आप एजुकेशन फ्री कर दो जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनके लिए। राइट, तो ये बेनिफिट जो है उनको जो है प्रोवाइड की जा सकती है। नाउ द सोशल रिपोर्ट विल देन फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक पीरियड। जो सोशल रिपोर्ट है वो स्पेसिफिक पीरियड के ऑब्जेक्टिव को चेक करेगा, जो रिसोर्सेज एलोकेटेड हुए हैं उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए उसको एक तरीके से फोकस करेगा, जो अचीवमेंट्स हुए हैं उस एरिया में उसको चेक करेगा, और जो प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं उनको भी रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी विद द हेल्प ऑफ सोशल गोल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। ये आखिर के चार पैराग्राफ में नहीं पढ़ रहा हूँ, लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा। अगला और आखिरी अप्रोच जो है हमारा वो है इंटीग्रल वेलफेयर अप्रोच, है ना? इसका क्यों हम करते हैं? तो सजेस्ट दैट सोशल रिपोर्टिंग बी कैरिड आउट बाय वे ऑफ सोशल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग, है ना। सोशल रिपोर्टिंग जो की जानी चाहिए वो इस बात को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए कि यहाँ पे भी यू नो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाना है, यहाँ पे भी बैलेंस शीट बनाना है, कि सोशली आपको चेक करना है कि समाज में जो भी प्रोजेक्ट चल रही है उनका बेनिफिट लोगों को कितना मिल रहा है, एसेट्स उसके उसके द्वारा कितनी बनाई गई और लाइबिलिटी कितनी ज्यादा क्रिएट हुई,
है ना। तो ये अप्रोच भी काम करता है जब हम सोशल रिपोर्टिंग और सोशल अकाउंटिंग की बात करते हैं। द सोशल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज इंक्लूडेड अ लिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स सरप्लस एंड कंज्यूमर्स सरप्लस आर आल्सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नल इफेक्ट ऑन कॉर्पोरेट एक्टिविटीज इंडिकेट द नेट सोशल बेनिफिट्स और नेट सोशल कॉस्ट, है ना। तो यहाँ पे एक तरह से देखो, जो सोशल बेनिफिट आपको मिल, जो सोशल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाओगे उसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जिसके जरिए आप ये पता करने की कोशिश करोगे कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। उसमें क्या क्या आ जाएगा? उसमें आपका जो प्रोड्यूसर है उसका सरप्लस आ जाएगा, उसमें कंज्यूमर का सरप्लस आ जाएगा कि उसको कितना बेनिफिट हो रहा है, कितने पैसे उनके पास बच रहे हैं। जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट है, एक्सटर्नल इफेक्ट है, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, जो भी कॉर्पोरेट एक्टिविटी हो रही है, उनका एक तरीके से उनको लिखा जाता है एसेट लाइबिलिटी साइड में, और फिर उनको जो है एक तरीके से जज किया जाता है कि नेट सोशल है और नेट बेनिफिट जो है आपको कितना मिल पाया है। तो सोशल बैलेंस शीट ऑन द अदर हैंड इज टू इंक्लूड सोशल एसेट एंड सोशल डेट्स। तो जो सोशल बैलेंस शीट मिलती है, अभी तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताया, जो सोशल बैलेंस शीट बनती है वहां पे भी आपको एक तरीके से सोशल एसेट और सोशल डेट्स को दिखाया जाता है। डेट्स मतलब लाइबिलिटी हमारी, है ना। सिंस 1980 द सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंटिन्यूज टू पब्लिश सोशल इनकम स्टेटमेंट विद द एनुअल रिपोर्ट्स। तो 1980 के बाद से ही जो सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे सीसीआई कहते हैं, वो कॉन्टिन्यूस यू नो जो सोशल इनकम स्टेटमेंट है वो प्रोवाइड करती है उसके एनुअल रिपोर्ट्स के साथ। द फॉर्मेट इज मोर और लेस ऑन द लाइंस सजेस्टेड एवर, है ना। द सोशल इनकम स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। सोशल इनकम स्टेटमेंट को हम तीन भाग में बांट सकते हैं। सबसे पहला है सोशल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट टू स्टाफ। जो सोशल बेनिफिट है वो क्या है और उसके कॉस्ट जो है स्टाफ के ऊपर कितने पड़ेंगे। सोशल बेनिफिट एंड द कॉस्ट टू कम्युनिटी। सोशल बेनिफिट क्या है और उसका असर जो है कॉस्ट टू कम्युनिटी कितना पड़ेगा। सोशल बेनिफिट एंड कॉस्ट टू द जनरल पब्लिक। तो ये तीन बेसिस हैं जिसके बेसिस पे जो है सोशल इनकम स्टेटमेंट जो तैयार होता है। ये तीन स्टेटमेंट है जो कि सोशल इनकम स्टेटमेंट के तहत तैयार किए जाते हैं, राइट। सो ब्रॉडली अगर देखा जाए ऑन द सेम लाइंस एज अवब बट विद द डिफरेंस येट अनदर अप्रोच इज द सोशल रिपोर्टिंग बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, है ना। तो सोशियो इकोनॉमिक ऑपरेटिंग स्टेटमेंट यहाँ पे एक तरीके से तैयार किया जा रहा है, जहाँ पे आप ये जज करने की कोशिश कर रहे हो कि आपने जो सोशल एक्टिविटीज की हैं उनका आपकी इकोनॉमी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, राइट। विच फोकसेस ऑन व्हाट कॉर्पोरेशन हैज डन फॉर द सोसाइटी। अब यहाँ पे ये जज करने की कोशिश करते हो कि कंपनी ने, कॉर्पोरेशन ने सोसाइटी के लिए क्या किया। ऑन द अदर हैंड एंड इट हैज फेल्ड टू डू ऑन द अदर, है ना। और इस ये एक तरीके से किन किन चीजों पे फेल हुआ चीजों को पूरा करने में, राइट। द सोशियो इकोनॉमिक ऑपरेटिंग स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अलोंग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। तो सोशियो इकोनॉमिक ऑपरेटिंग स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर करना चाहिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है किसी कंपनी का उसके साथ ही, राइट। शुड इंक्लूड ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंपनी। यहाँ पे कोलोन पैनिंग हो गया है, तो यहाँ पे वो सारे के सारे एक्सपेंसेस होने चाहिए कंपनी के जो भी वॉलंटरली सोशल कॉज में इस्तेमाल किए गए हैं, ऑफसेट किए गए हैं विद दोज एक्सपेंसेस, है ना। एंड कॉस्ट ऑफ सिमिलर वेलफेयर एक्टिविटीज, जो आपने सिमिलर वेलफेयर एक्टिविटीज की जाती हैं, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज की जाती हैं, उनका जो कॉस्ट है वो भी आपको वहाँ पे दिखाना होता है। विच वेयर ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ मैनेजमेंट, जो कि मैनेजमेंट के अटेंशन के पास लाया गया था बट विच द मैनेजमेंट इग्नोर, लेकिन उसको जो है मैनेजमेंट ने इग्नोर करा और उन्होंने सोशल एक्टिविटी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसका जो एक तरीके से प्रॉब्लम है वो लोगों को देखना पड़ा, राइट। सो दीज वेर द फाइव फोर अप्रोचेज ऑफ सोशल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।